अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फोर स्टोरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर की एनालिसिस हम सेप 2000 में किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट हम सेप 2000 ओपन करेंगे। सेप 2000 ओपन करने के बाद हम जाते हैं न्यू मॉडल। फ्रॉम हियर आप यूनिट की सिलेक्शन कर सकते हैं एंड आफ्टर द ग्रिड ओनली। मैं ओनली वाई डायरेक्शन में ग्रिड को चेंज करना चाहता हूं, बाकी मैं एज इट इज इसे वैसे ही रहने देता हूं एंड आफ्टर देन ओके। अब ग्रिड की सिलेक्शन हमारे पास हो गई। आफ्टर देन वी नो दैट कि हमारे पास जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर होती है वो कंपोस्ट होता है बीम और कॉलम पर, और बीम और कॉलम में हमारे पास मेन जो हमारे पास इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट्स हम जो वो होते हैं कंक्रीट और रीबार। तो फर्स्ट हम अपने इस स्ट्रक्चर के लिए हम रीबार और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। सो आई जस्ट गो टू डिफाइन एंड मटेरियल एंड आफ्टर देन आई गो टू एड न्यू मटेरियल क्विक एंड फ्रॉम हियर आई फर्स्ट सेलेक्ट मटेरियल टाइप कंक्रीट एंड आई सेलेक्ट इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3000 PSI। आफ्टर देन ओके एंड दूसरा मटेरियल ऐड करूंगा जो कि हमारे पास है रीबार। फ्रॉम हियर आई गो टू रीबार एंड इसमें मैं स्पेसिफिकेशन में एस्टेम एज 15 ग्रेड 60 वाला लेता हूँ। अब एस्टेम स्टैंड फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एड मटेरियल। एस्टेम एक्चुअली हमारे पास ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मटेरियल से रिलेटेड या हमारे पास डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम यह हमारे पास पब्लिश करता है एंड डेवलप करता है। एंड 15 ये हमारे पास इसकी कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन है एंड हियर ये जो ग्रेड 60 है ये कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि हमने जो इसमें कंक्रीट ली है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 60,000 PSI है। आफ्टर देन ओके एंड ओके हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन की। आफ्टर देन हम सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। गो टू डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टी फ्रेम सेक्शन एंड एड न्यू प्रॉपर्टी। अब हमारे पास में दो सेक्शन होते हैं, एक बीम की सेक्शन होगी और दूसरा हमारे पास कॉलम की सेक्शन होगी। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसमें कंक्रीट एंड देन रेक्टेंगुलर। अब पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा बीम की सेक्शन को, मैं इसे बीम नाम देता हूँ एंड आफ्टर देन मटेरियल में मैं वही मटेरियल लूँगा जो मैंने अभी डिफाइन की थी 3000 PSI। एंड आफ्टर देन इसकी डेप्थ में वैसे रहने देता हूँ एंड इसकी वेट में पुट करता हूँ 15 इंच। एंड आफ्टर देन गो टू कंक्रीट रिइंफोर्समेंट। अब इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ डिज़ाइन टाइप में बीम एंड आफ्टर देन ओके एंड ओके। अब दूसरा मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगा वो है कॉलम की, एट न्यू प्रॉपर्टी कंक्रीट ऑलरेडी सेलेक्ट है एंड रेक्टेंगुलर एंड मैं इसे नेम देता हूँ कॉलम। एंड अब मटेरियल टाइप में अगेन वही मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो मैंने डिफाइन की थी 3000 PSI एंड मैं इसके डेप्थ पुट करता हूँ 24 इंच एंड इसकी विड्थ में पुट करता हूँ 24 इंच एंड गो टू कंक्रीट रिइंफोर्समेंट। डिज़ाइन टाइप में कॉलम ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट हुई है एंड आफ्टर देन ओके एंड ओके एंड ओके। अब हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टी और सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन हो गई। आफ्टर देन हम अपने इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोड पैटर्न डिफाइन करेंगे। जस्ट गो टू डिफाइन एंड लोड पैटर्न फ्रॉम हियर डेड लोड ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्रॉम हियर एंड आई एट लाइफ लोड LL टाइप में मैं सेलेक्ट करूंगा लाइफ। सेल्फ वेट को मैं 0 असाइन करता हूं एंड आफ्टर देन न्यू लोड पैटर्न एंड अगेन अब मैं इसमें ऐड करता हूं STL सुपर इम्पोज्ड डेड लोड एंड टाइप में अब मैं जाता हूं मोर एंड सुपर डेड। एक्चुअली हमारे पास STL सुपर इम्पोज डेड लोड या हमारे पास फर्नीचर की जो लोड होती है या हमारे पास इक्विपमेंट जो होते हैं जो स्लेब में हम प्लेस करते हैं उनके लोड को हम बोलते हैं सुपर इम्पोज डेड लोड एंड आफ्टर एड न्यू लोड पैटर्न एंड अब लोड पैटर्न मटेरियल प्रॉपर्टीज और सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन होने के बाद नाउ इट्स टाइम टू ड्रा बीम एंड कॉलम फॉर आवर स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले जाएंगे XU में एंड आफ्टर देन ये पास यहाँ दो एरो नज़र आ रहे हैं मूव अप इन लिस्ट एंड मूव डाउन इन लिस्ट। ये हम अपने इस जो ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है इसमें हम अगर फ्लोर चेंज करना चाहते हैं तो हम ये एरो यूज़ करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले आता हूँ फर्स्ट फ्लोर में।
अब ये जो नीचे पोर्शन है हमारे पास बेस लेवल है, इसके नीचे हमारे पास फाउंडेशन होगी एंड देन अब ये हमारे पास का फर्स्ट फ्लोर है। अब हम फर्स्ट फ्लोर की बीम की प्लेसमेंट करेंगे एंड देन इसके नीचे हम कॉलम की प्लेसमेंट करेंगे। तो फर्स्ट मैं बीम इसमें प्लेस्ड करता हूँ, सो आई गो टू क्विक टूल एंड सेलेक्ट ऑल दिस पोर्शन। अब इसमें मेरे पास बीम की प्लेसमेंट हो गई। आफ्टर देन अब मैं इसमें कॉलम की प्लेसमेंट करूंगा, सो आई जस्ट चेंज ए व्यू फ्रॉम हियर गो टू एक्स जेड व्यू। नाउ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं इसमें कॉलम प्लेस्ड करता हूँ वन बाई वन। अब हमारे पास फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम थे वो हमारे पास इसमें प्लेस्ड हो गए। आफ्टर देन आई जस्ट चेंज ए व्यू। अब मैं लास्ट रो पे आ गया, अब इसमें भी मैं कॉलम प्लेस्ड करूंगा। आफ्टर देन मैं मिडिल रो पे आ गया, अब इसमें भी मैं कॉलम प्लेस्ड करूंगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें हमारे पास बीम और कॉलम की प्लेसमेंट हो गई। आफ्टर देन हम स्लैब डिफाइन करेंगे अब इस फर्स्ट फ्लोर के लिए, सो आई गो टू क्विक ड्रा एरिया एलिमेंट एंड सेलेक्ट ऑल दिस पोर्शन। अब हमारे पास में स्लैब की प्लेसमेंट हो गई। ये जो हमारे पास रेड शो रेड लाइन में हमें जो शो हो रहा है ये हमारे पास स्लैब की प्लेसमेंट है। एंड आफ्टर देन स्लैब की प्लेसमेंट के बाद हम इसमें मेशिंग प्रोवाइड करेंगे। सो मेशिंग के लिए मैं इसे एज ए होल क्या करूँगा सेलेक्ट करूँगा एंड आफ्टर देन आई गो टू एडिट। फ्राम हियर आई गो टू एडिट एरिया डिवाइड एरिया एंड फ्राम हियर डिवाइड एरिया इन टू ऑब्जेक्ट एंड लेट मैं इसकी मेशिंग करना चाहता हूँ 24x24 एंड आफ्टर देन ओके। अब हमारे पास में मेशिंग कुछ इस तरह से हो गई। अब मेशिंग होने के बाद हम इसको इस जो हमारे पास स्लैब है स्लैब के लिए हम लोड डिफाइन करेंगे जो कि हमारे पास लाइफ लोड और एस डी एल होते हैं। तो मैं इस पोर्शन को एज ए होल क्या करूँगा सेलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट होने के बाद मैं जाऊँगा असाइन फ्रॉम हियर एरिया लोड एंड यूनिफॉर्म टू फ्रेम सेल एंड फर्स्ट में इसमें जो लोड ऐड करता हूँ वो लाइफ लोड एंड लाइफ लोड के हमारे पास यूनिट जो है वो हमारे पास लेबर पर फीट में। तो मेरे पास जो इसकी लोड है 40 लेबर पर फीट एंड आफ्टर देन ओके। अब हमने स्लैब के लिए लाइफ लोड असाइन किया। आफ्टर देन हम इसे दोबारा क्या करेंगे होल सेलेक्ट करेंगे दोबारा होल सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू असाइन। असाइन के जाने के बाद एरिया लोड यूनिफॉर्म टू फ्रेम सेल एंड अब लाइफ लोड की जगह मैं ऐड करता हूँ एस टी एल एंड हियर मैं यूनिट चेंज करता हूँ। एस टी एल की जो यूनिट है वो लेबर पर फीट है और इसकी जो लोड हमारे पास है 20 लेबर पर फीट। अब इसमें ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड करना है, जो हमने लाइफ लोड ऐड की थी एस डी एल भी हमारे पास उसमें ऐड होगा। आफ्टर देन हम हमारे पास जो स्लैब बीम और कॉलम है इनके हम रिप्लिकेट करेंगे सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर में। तो मैं एक्स व्यू पे आता हूँ एंड आफ्टर देन मैं इसे होल क्या करूँगा सेलेक्ट करूँगा। अब इसमें हमारे पास बीम और स्लैब हमारे पास सेलेक्ट हुए एंड आफ्टर देन आई गो टू एक्स सेट व्यू एंड फ्रॉम हियर आई आल्सो सेलेक्ट द कॉलम, क्योंकि मैं इन्हें सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर में मुझे इनकी रिप्लिकेट करना है जितने भी हमारे पास कॉलम हैं इनकी और बीम है उनकी और स्लैब की। अब मैंने फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम हैं उनकी सिलेक्शन मैंने की। आफ्टर देन आई जस्ट अब देखो मैं थर्ड रो पे आ गया, इसमें भी मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा।
अब थर्ड रो में भी मैंने कलम की सिलेक्शन की। आफ्टर दैट आई गो टू मिडिल रो। अब हम आ गए मिडिल रो में। अब इसमें भी हम कलम को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे रिप्लिकेट करना है सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर में। अब इसमें भी हमारे पास कलम सेलेक्ट हो गए। आप इन एरो के जरिए आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसमें हमारे पास कलम भी सेलेक्ट हो गए हैं और बीम भी सेलेक्ट हो गए हैं। आफ्टर देन ये हमारे पास सेकंड, और इसमें भी हमारे पास कलम भी सिलेक्ट हो गए हैं और बीम भी सिलेक्ट हो गए हैं। आफ्टर देन वी गो टू एडिट एंड फ्रॉम हियर वी गो टू रिप्लिकेट एंड हम इसे रिप्लिकेट करेंगे थ्री में ताकि फोर्थ स्टोरी तक जाए। एंड इसकी डी जेड में हम इसकी जो हाइट पुट करते हैं 144 इंच, 144 इंच जो कि हमने इनिशियली जो जेड डायरेक्शन में हमने जो स्पेसिंग प्रोवाइड की थी वो है। एंड आफ्टर देन ओके। नाउ आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर के बीम कॉलम और स्लैब हमारे पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में रिप्लिकेट हो गए। आफ्टर देन हम अपने इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट असाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं आता हूँ एक्स व्यू पे, एंड एक्स व्यू में आने के बाद मैं आता हूँ सबसे बेस लेवल पे। तो इस एरो के जरिए मैं बेस लेवल पे आता हूँ। अब मैं बेस लेवल पे आ गया और अब हम सपोर्ट इस बेस लेवल पे असाइन करेंगे। सो आई सेलेक्ट ऑल द पोर्शन ऑफ बेस एंड गो टू असाइन जॉइंट एंड रिस्ट्रेंट। फ्राम हियर आई पुट हियर हिंज एंड ओके। अब हमारे पास बेस में सपोर्ट भी असाइन हो गए। अब सपोर्ट भी असाइन होने के बाद अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को अपने पास सेव करते हैं। तो मैं इसे नाम देता हूँ आरसी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल एंड आफ्टर देन सेव इट। अब हमारे पास सेफ हो गया। अब सेफ होने के बाद हम इसे रन करेंगे। गो टू रन एंड रन नाउ। ये रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, इट डिपेंड अपॉन योर पीसी। हमारे पास रन हो गई। अब रन होने के बाद अब हमारा स्ट्रक्चर रन होने के बाद तब हम इसमें डिज़ाइन एनालिसिस करते हैं। सो गो टू डिज़ाइन एंड फ्रॉम हियर गो टू कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन व्यू डिवाइस प्रेफरेंस। एंड अब डिज़ाइन कोड में मैं सेलेक्ट करता हूँ UBC 97 एंड आफ्टर देन ओके। आफ्टर देन अगेन गो टू डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बो एंड सेट ऑटोमेटिक डिज़ाइन लोड कॉम्बो। हमने जो पीछे जो लोड अप्लाई की थी STL और लाइफ लोड, अब ये ऑटोमेटिकली इन लोड का डिज़ाइन कॉम्बो जनरेट करेगा। सो ओके। एंड आफ्टर देन अगेन गो टू डिज़ाइन कंक्रीट डिज़ाइन एंड सेलेक्ट डिज़ाइन एंड स्टार्ट डिज़ाइन। अब ये हमारे पास डिज़ाइन एनालिसिस भी हो गई। आफ्टर देन अगर हम इसके सपोर्ट डायरेक्शन देखना चाहें तो हम जाएंगे डिस्प्ले में एंड शो फोर्सेस एंड स्ट्रेस एंड जॉइंट एंड देन ओके। हमारे पास सपोर्ट डायरेक्शन सबसे बेस लेवल पे है तो हम बेस लेवल पे आएंगे। एंड अब देखो ये हमारे पास सपोर्ट डायरेक्शन हमारे पास आ गए हैं। एंड आफ्टर देन अगर हम इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखना चाहेंगे तो आई गो टू लेट चेंज इट व्यू एक्सेट व्यू। अगर अब हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखना चाहेंगे तो अब मैं इस फर्स्ट रो का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखना चाहता हूँ। तो आई गो टू डिस्प्ले शो फोर्सेस एंड स्ट्रेस फ्रेम एंड फ्रॉम हियर आई सेलेक्ट M33 एंड अब यह हमारे पास जो फर्स्ट रो है।
इसमें हमारे पास कॉलम और बीम में, ये हमारे पास कॉलम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शो कर रहा है एंड ये हमारे पास बीम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शो कर रहा है। अगर अब हम स्लैब की बेंडिंग मोमेंट को देखना चाहें तो आई जस्ट गो टू एक्स वाई व्यू एंड आई जस्ट गो टू डिस्प्ले एंड शो फोर्सेस एंड स्ट्रेस शेल एलिमेंट एंड फ्रॉम हियर आई सेलेक्ट एम टू टू एंड देन ओके। अब हमारे पास स्लैब की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह शो हो रहा है। आफ्टर देन अगर आप इसका डिफॉर्म शेप देखना चाहते हो तो F6 इसका शॉर्टकट की है या आप इस पॉइंट पे जाकर इसका डिफॉर्म शेप देख सकते हो। अब यह हमारे पास का डिफॉर्म शेप कुछ इस तरह नज़र आ गया। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँ इसमें इन वैल्यूज को तो वह हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आएगा। अब यह हमारे पास इसका डिफॉर्म शेप नज़र आ रहा है एंड अगर हम इसके डिफॉर्म शेप का अगर एनिमेशन अगर हम देखना चाहें तो स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसका एनिमेशन बनाकर हमें देगा। यह हमें इसका एनिमेशन शो हो रहा है। सो थस हम इसी तरह किसी भी RC स्ट्रक्चर की एनालिसिस शेप 2000 में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।